के लिए, फ्यूचर के लिए, जब हम 12th के एग्जाम हो जाएंगे, 12th के बाद जेई वाला जो एग्जाम आने वाला होगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल पाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल पाएंगे। इसलिए अभी से ऐसी तैयारी करके चलो, अभी से सारे असाइनमेंट जितना भी मिल रहा है ना आपको, नोट्स वगैरह सब सब पढ़ते हुए, शॉर्ट नोट बनाते हुए, साथ ही साथ शॉर्ट नोट बनाते हुए कंप्लीट करते हुए चलो, जिससे आगे आगे अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यस तो फिर अभी मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। स्क्रीन शो हो रही है? ये क्वेश्चन किया आप सबने? यस सर। कितना आंसर आया, कितना आंसर आया है? 160 मीटर। 160 मीटर। कुछ लोग 11/5 आ रहा है ना सबका? यस, यही क्वेश्चन आंसर आएगा। देखो आपको मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, जैसे मुझे ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देखनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, यही होगा ना? यस सर। अब जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मान लो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये ए ट्रेन है और ये यहाँ पे बी ट्रेन है, ठीक है। ए ट्रेन, मान लो बी ट्रेन फास्ट चल रही है, ए ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही है, तो ए बी ट्रेन ए को कब क्रॉस करेगी? जब ये बी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी जस्ट। यस सर। होगा का नहीं? जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही होगी, या सेम में चले या अपोजिट में चले, क्या टोटल लेंथ जो होगी, टोटल लेंथ जो होगी दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी 60 मीटर प्लस 120 मीटर, होगी कि नहीं ऐड टोटल लेंथ के लिए? यस सर। टोटल लेंथ के लिए कितना हो गया? 180 मीटर हो गया। यस सर। अब जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है मान लेता हूं, मान लो ए ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, ए ट्रेन किससे चल रही है? 80 किलोमीटर पर आवर से। और बी ट्रेन किससे चल रही है? बी ट्रेन किससे चल रही है, किससे चल रही है? 30 किलोमीटर पर आवर से। 30 किलोमीटर। तो क्या मैं ए वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रेस्पेक्ट टू बी क्या आएगी? वी ए प्लस वी बी आएगी, सॉरी वी ए माइनस वी बी। अरे आप ये बताओ कि ये जो ये वाला फॉर्मूला छोड़ो, आपको वो फील याद है बस वाला? यस सर। बस वाला फील याद है? yes. सेम डायरेक्शन में होंगी, सेम डायरेक्शन में अगर होंगी, सेम डायरेक्शन में, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही थी, माइनस करनी पड़ रही थी या प्लस करनी पड़ रही थी सेम डायरेक्शन के लिए? माइनस करनी पड़ रही थी। अब एक तो आपको वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, अगर वो वाला कंसेप्ट याद होता, अगर वो वाला कंसेप्ट याद होता तब भी आप उस क्वेश्चन को कर देते, या फिर आप इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, वी ए माइनस वी वी, अगर आप वी ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी निकालोगे तो क्या आएगा? वी ए माइनस के वी वी। अब VA की वेलोसिटी क्या है? 80। VB की क्या है? 30। कितना आया रिलेटिव? 50 आया। 50 kmph। अभी आप कौन सी डायरेक्शन में लगाया? फर्स्ट के लिए, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो हमारा T1 क्या आ जाएगा? T1 टोटल डिस्टेंस क्या है? 180 मीटर। 180 मीटर है कि नहीं? अब yes, sir. अब जो रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में चल रही है वो कितनी है? 50 किलोमीटर है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं मीटर पर सेकंड के लिए? अरे किलोमीटर पर आवर को 5/18 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, करते हैं कि नहीं? ऐसे ही T1 आ गया, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा? T2 निकालूंगा। अब ये ट्रेन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल, मान लो ये 13 वाली ट्रेन जो थी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और ये वाली इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्या ये इसकी वेलोसिटी जो होगी माइनस के 13 लूंगा मैं इसको, क्योंकि अपोजिट मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, तो क्या ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी? यस सर। तो इस बी की जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस के 30 होगा यहाँ पर, 80 माइनस माइनस के 30। यस सर। होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 80 प्लस 30 हो जाएगा,
अरे वन 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 जीरो होगा कि नहीं, 110 kmph होगा। अब जब t2 निकालूंगा तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 180 है, 110 का डिवाइड कर दूं इसमें 5/18 कर दूं अगर मैं, तो क्या ये सेकंड में टाइम आएगा, ये भी सेकंड में टाइम आएगा। अब पूछा क्या है, यस सर, दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है ना, यस सर, ये दोनों का रेशियो पूछा है, तो क्या t1 by t2 करूंगा तो मैं क्या आएगा, देखो t1 by t2 करूंगा तो 180 से 180 कट जाएगा और आपका 5/100 से 5/18 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 11/5 यही बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियरली आंसर ये आ जाएगा। अभी आपको इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपका इसके नीचे ही आएगा, फिर दिखेगा ना, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, क्लियर है, 11/5। जी सर, जी सर, आगे बढ़े, यस सर, हमारा nth डिस्प्लेसमेंट, ये nth डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, nth डिस्प्लेसमेंट, अभी आप हमने 5 क्वेश्चन फिर और दिए थे क्या बेटा, वो क्विक असाइनमेंट था, उसका उसका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन मैं आपको क्लास के बाद में दूंगा, उसका सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन थे सर, उसका सॉल्यूशन, हाँ हाँ, क्विक असाइनमेंट की बात कर रहे हो आप, यस सर, यस सर, क्विक असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसका अगर उसको क्लास में करवाने, उसको हम क्लास में नहीं करवाएंगे, अगर उसमें से सॉल्यूशन लेने के बाद में भी आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, ये इसके क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन था, मुझे इस सॉल्यूशन में सर्किल बना के सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे आया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखो अब ये nth सेकंड का कांसेप्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप तो किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हो, आपने बॉल गिराई नीचे, बॉल नीचे की तरफ आ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगी बॉल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर आ रही है बॉल, यहां तक यहां पे आई बॉल, यहां पे आई हो, फर्स्ट सेकंड में जब यहां से यहां तक आई थी, फर्स्ट सेकंड जब t इक्वल टू 1 सेकंड था तो मान लो वो d1 डिस्टेंस चली, सेकंड सेकंड पे जब t इक्वल टू 2 जब t इक्वल टू 2 सेकंड था तो मान लो d2 डिस्टेंस चली, और t इक्वल टू 3 सेकंड था तो ये मान लो t इक्वल टू 3 सेकंड तब ये मान लो d3 सेकंड चली, मैं इस ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं यहां से यहां तक के बीच की, अब t इक्वल टू 4 सेकंड था, 4 सेकंड था तब मान लो d4 चली, और ये 4 के बाद में ये यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकंड है, यहाँ पे आ गई मान लो ये d5 है। अब आपसे पूछा किसी ने कि फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली है, क्या फोर्थ के बाद में यही होगी, फोर्थ के बाद की सेकंड यानी फिफ्थ सेकंड में ये डिस्टेंस अगर किसी ने पूछी या आपसे पूछ लिया कि आप डिस्टेंस का डिफरेंस बताओ कि फर्स्ट सेकंड सेकंड में कितनी चली, दूसरी सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरी वाली यहां से यहां तक, और तीसरी सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, nth सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कभी आपको बोले 6 सेकंड में आप टाइम बताओ कितना चला, कभी अभी तो 5 सेकंड में पहुंच रहा है ना, कभी 100 सेकंड में पहुंच रहा है, 100 सेकंड में कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, आपसे पूछ लिया मुझे ये बताओ 88 सेकंड में, जो 88 सेकंड जो थी उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इस ऑब्जेक्ट ने, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, nth फॉर्मूला बना लिया कि अगर वो पूछे कभी भी 1000 सेकंड में मान लो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसने पूछ लिया 999 जो सेकंड थी, 999 से लेके 1000 के बीच में जो एक सेकंड थी, उस सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। तो हम इस, अब मान लो आपको पूछा कि थर्ड के बाद में ये फोर्थ सेकंड में ये जो डिस्टेंस है ये कितनी ट्रेवल की, ये d4 की वैल्यू आपको पूछ ली किसी ने, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इन आगे के लिए कि मुझे यहां से 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर मुझे ये पता चल जाए टोटल ये वाली ये कैपिटल डी पता चल जाए, और यहां से जो 4 सेकंड से पहले यहां थर्ड सेकंड में यानी कि n-1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया ये मुझे पता चल जाए, d n-1 ये पता चल जाए सर, हाँ बताओ
सर एक कंजर्वेशन ऑफ सर मैकेनिकल एनर्जी से निकल सकता है सर। नहीं नहीं निकल सकता है, फॉलिंग बॉडी के लिए होता है। बेटा बेटा सुनो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ये सब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगा हुआ है? अभी तो पहली बात हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चैप्टर पे है नहीं, उसी चैप्टर पे है क्या? उस चैप्टर पे होंगे। एक क्वेश्चन को ना दसों मेथड से किया जा सकता है, लेकिन हम अभी जिस चैप्टर पे हैं उस चैप्टर से करने की कोशिश करेंगे। जब हम हमारा जब फिजिक्स एंड पे होगा ना तब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्टेस्ट मेथड कौन सा है। अभी मैं मान लो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, अभी क्लास में कितने लोग हैं? अभी 45 पीपल है। अब 45 में से ज्यादा 5-10 पीपल को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होगा, बाकी लोगों का क्या? समझ रहे आप मेरी बात को? तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी अभी हम पढ़ेंगे कि जिस मेथड से हम लोग कर रहे हैं, जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, हम उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अनदर मेथड यूज, एग्जाम में आपके कोई नहीं पूछेगा किस मेथड से आंसर निकाला है, किसी भी मेथड से निकालो, आपको जो शॉर्ट लगे उससे निकालो। समझ रहे हो? अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे इस जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली कंडीशन है इसको कैसे अप्लाई करके ये जो वेलोसिटी है या डिस्टेंस ट्रेवल है वो निकालेंगे। अब मान लो यहाँ यहाँ तक टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल की कैपिटल डी, और यहाँ तक डी एन माइनस वन में, डी एन में इतनी ट्रेवल की थी इसने, और एन माइनस वन में डी छोड़ो एस, एस में ही ले लेते, एस में कराया एस एन ये थी और ये क्या थी एस एन माइनस वन। क्या एस एन में से एस एन माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो डी फोर आ जाएगा? यहां तक डिस्टेंस थी एस एन, यहां तक एस एन, एन सेकेंड मान लो यहां तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की टोटल। और हमने क्या किया था, आपको पूछिए कि इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 5 मीटर पर सेकेंड थी, बताओ। और एक्सेलरेशन ये था, मान लो आपको बोल दिया मैंने कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैंने टाइम दे दिया कि मान लो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आप लोग कैलकुलेट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस सर। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दोगे क्लियरली? यस सर। तो yes, sir. वही हम कंडीशन लगा रहे हैं, वही कंडीशन लगा रहे हैं। एन इक्वल टू फाइव, टी इक्वल टू फाइव क्या है? ये जो टोटल टोटल 5 सेकंड में 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है SN, और इससे एक कम में, एक कम सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? यहां तक की होगी, की होगी कि नहीं? यहां तक की होगी ना। मान लो 4 सेकंड में यहां तक आ रहा है तो 3 सेकंड में यहां तक आया ना, यहां तक। अब जब 4 सेकंड में जो दूरी चली गई है, डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, उसमें से अगर मैं 3 सेकंड वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूं, क्या 4 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस पता चल जाएगी? नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है क्या? यस सर। मुझे ये बताओ, अभी अभी आपने बोला कि 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हम ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैंने आपसे बोला कि n सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल, इस 5 की जगह पर अगर मैं n दे दूं आपको, इस 5 की जगह पर m दे दूं, तो क्या आप n सेकंड के लिए नहीं निकाल सकते n के टर्म में आंसर? निकाल सकते हो सर, निकाल सकते हैं ना। तो यहां से यहां तक मान लो मैंने आपको 4 सेकंड के लिए, मैं आपको पूछ रहा हूं, 4th के लिए पूछ रहा हूं अगर मैं, तो मैंने बोला कि यहां से 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, मान लो s4 ले लेता हूं, चलो इसको s4 सेकंड ट्रेवल, 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है s4। अब मैंने 3 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, n माइनस 1 होता ना 3, 3 सेकंड में कितनी ट्रेवल की है s3। क्या मैं s4 में से s3 माइनस कर दूं तो d4 आ जाएगा? s4 माइनस के s3 कर दूं तो? यस सर। आएगा कि नहीं? यस सर। वही कांसेप्ट हम यहां पे अपनाएंगे कि मान लिया आपने कि s जो हमने पूछा है कि nth सेकंड के लिए अगर किसी ने पूछ लिया, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 500 800 कुछ भी हो सकता है। n एक वेरिएबल है, n क्या है? वेरिएबल जो कि सेकंड में है, एक वेरिएबल है जो कि सेकंड में है। यानी कि sn क्या होगा, un, t की जगह पे क्या है, t क्या दिया हुआ है यहां पे, nth सेकंड, nth सेकंड है, t इक्वल टू n होता है सर, nth है। यानी कि अरे sn की जगह पे आपको एक वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, आप sn से कंफ्यूज ना, n की जगह पे वैल्यू मिलेगी, 5 10 11 15 कुछ भी वैल्यू मिलेगी। तो t की जगह पे यहां पे उस वाली इक्वेशन में s = ut + हाफ एटी स्क्वायर में
हमने टी की जगह पर एन पुट कर दिया, तो हमारी ये डिस्टेंस क्या हुई, एम सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर हम उसमें से एन माइनस वन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको माइनस कर दें, तो क्या हमारी एन एफ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो आ जाएगी? यस सर। एक तो है एन सेकंड में, एन सेकंड मतलब जीरो से लेके मान लो हमें फिफ्थ की चाहिए, तो पांच सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, और देखो पांच सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है उसमें से अगर हम चार सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल है उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारी जो फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आएगी। यस सर। जैसे चार सेकंड में यहां से जीरो से लेके चार सेकंड में वो यहां तक गया, बॉल यहां पे थी चार सेकंड में, अब वो तीन सेकंड में कहां पे थी, यहां पे थी। अगर इस S4 में से S3 को माइनस कर दूंगा तो क्या ये जो फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस D4 है ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वही कंसेप्ट हम यहाँ आपको पूछा nth सेकंड के लिए, और वहां से एक और हमने निकाला n माइनस वन सेकंड के लिए, वही n माइनस वन पुट किया t की जगह पे। अगर हम इस वाले में से sn में से अगर sn माइनस वन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब इसको सिंपलीफाई कर लिया, देखो यू एन इन दोनों को अलग रखा है, इन दोनों को साथ में रखा है क्योंकि यहां से यू कॉमन लेंगे हम। देखो यू एन माइनस के यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला आ गया हाफ ए टी स्क्वायर ए एन स्क्वायर, और ये जो है ये वाला जो है ये आ गया, क्योंकि एस एन ये माइनस माइनस के आएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस किया है ना, मैंने माइनस किया है कि नहीं? yes, sir. ये माइनस का आ गया, यही माइनस। अब इन दोनों में से यू कॉमन ले लिया, मैंने यू कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा एन, यहां से क्या बचा एन माइनस वन, तो यहां से एन से एन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहां से हाफ ए स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, हाफ ए कॉमन ले लिया, यहां से हाफ ए कॉमन ले लिया, हाफ ए कॉमन लिया तो यहां से एन स्क्वायर माइनस यहां से एन माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा। तो इस एन माइनस वन का होल स्क्वायर ये मैंने खोल दिया यहाँ पर, ये एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो यहाँ पे देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो गया तो यू बचा, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या आया, एस एन एफ सेकंड के लिए फॉर्मूला आया ये। अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आपसे अगर कोई पूछे कि फिफ्थ सेकंड के लिए मुझे बताओ कि फिफ्थ सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो पांचवी सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? आपको सिंपल क्या करना है कि एस फिफ्थ में कितना चलेगा, यू मान लो आपको 5 दिया हुआ है ना, 5 दिया है यू, अब ए क्या दिया हुआ है 1 बाई 2, फिफ्थ सेकंड में पूछा है 2 × 5 − 1। अब आप सिंपली इस वैल्यू को यहां पर निकाल सकते हो, इतना झंझट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इतना आपको झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे क्या हो रहा है, ये सारी आपको नहीं मतलब ये सारी कंफ्यूजन आपको एक फॉर्मूले से क्लियर हो जाएंगी, एक फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन सॉल्व, इसीलिए हम इसको एनएफ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा, विद इन 3 मिनट इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सर, पीछे दिखाने के मिनट, एक सेकंड फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो, देख लो SNF के लिए U प्लस A बाई 2, SNF का है U प्लस A बाई 2 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला है nth के लिए, इससे सॉल्व करो जरा। हैंड रेस करना है, ओनली आंसर आने के बाद हैंड रेस करना है।
जी मेरे अभी नहीं बोला, आंसर आंसर नहीं बताना है, नहीं बताया सर। चार लोगों का आंसर आ चुका है। यस सर। निशु, करण, राहुल और प्रेरणा। करण, यस करण, मैंने आपका नाम बोल दिया, आपने हैंड्रेस किया है, मैंने उसको देख के नाम बोल दिया है आपका। निशु कितना आंसर आया है? थ्री अपॉन टू सर। थ्री अपॉन टू। नेहा, वो नेहा का बोला। प्रेरणा सर यही है मेरे भी, थ्री अपॉन टू मीटर। और बाकी दो लोग कितना आंसर आया है? थ्री अपॉन टू। थ्री अपॉन टू सब सबका यही आ रहा है। अच्छा सबका यही आ रहा है। आपने कैसे किया है? देखो आप इसमें कंडीशन दी हुई है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्वाइस है कितने के, सेकंड का जी, सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका ट्वाइस है फोर्थ सेकंड में। यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एस फोर्थ इक्वल टू टू ऑफ एस सेकंड, लिख सकता हूं? यस सर। यही कंडीशन है ना, यही कंडीशन दी हुई है। ए दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए? ए दिया हुआ है थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए दिया हुआ है। अब हमें पूछा क्या है, यू पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। अब क्या मैं एस एस फोर्थ के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला एस फोर्थ के लिए लगाओ। यू क्या, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, टू एन 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 की जगह फोर लिख दूं, टू इंटू, अच्छा यू की जगह पे वैल्यू पुट कर ही देता हूं फिर मैं। यू की जगह पे क्या लिखूं, यू तो पूछा है, ए की जगह पे क्या लिख दूं, थ्री, ए की जगह पे थ्री लिख दिया मैंने। यू इंटू यू यहां पे भी निकालना है, प्लस थ्री बाई टू इंटू टू इंटू सेकंड है तो एन की जगह पे टू आ जाएगा, टू माइनस वन। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं सबको? yes. अब देखो यू यू यहाँ पे है, यू प्लस यहां से क्या आया, एट माइनस वन सेवन, थ्री बाई टू इंटू सेवन इक्वल टू टू यू प्लस यहां से क्या आया, थ्री, टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री। अरे आया कि नहीं? यस सर। थ्री बाई टू इंटू टू इंटू थ्री, एक तो ये टू भी तो आएगा, थ्री बाई टू ये रहा, टू ये वाला आ गया और थ्री ये वाला आ गया, तो टू से टू कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यू प्लस थ्री सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन बाई टू इक्वल टू टू यू प्लस यहां से क्या आया, थ्री थ्री नाइन। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या आया, थ्री बाई टू। क्लियर है? यस सर। हाँ आगे बढ़े फिर। यस सर। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट ये कर दिया, इसमें डिफरेंस मैंने इसमें और मेरे सॉल्यूशन, हमारे में सॉल्यूशन में डिफरेंस इतना हो गया, इसने एस टू अलग निकाला, एस फोर अलग निकाला, तब जाके वैल्यू पुट की डायरेक्ट इसने, इसने वैल्यू पुट की। कंडीशन तो यही थी ना गिवन प्रॉब्लम में, एस फोर्थ इक्वल टू टू इंटू एस सेकंड। क्लियर है? जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनका क्लियर है कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े फिर। जी सर। अब ये एक और असाइनमेंट आ गया गिफ्ट आपके लिए, ये असाइनमेंट सेवेंथ ऑफ जैन। कब है क्लास हमारी, अब नेक्स्ट फ्राइडे को है, फ्राइडे को ये असाइनमेंट करके लाना है आपको। जी सर।
इसके बाद सॉल्यूशन भी दूंगा उसका। अब हम आते हैं फ्री फॉल पे। फ्री फॉल, अब मुझे ये बताओ कि फ्री फॉल में, ये छोड़ो ये क्या लिखा है जो भी है, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हो, बाद में समझ सकते हो, मुझे ये बताओ ये वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब, वैक्यूम ग्रेविटी एयर नहीं, यहाँ जहां पे कोई भी मीडियम ना हो, मीडियम ना हो, एयर से बढ़िया वर्ड है बेटा मीडियम, कि एयर बगैर, एयर वाटर कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां पे, कुछ भी ना हो उसको हम बोलते हैं नो मीडियम, वैक्यूम बोलते हैं जहां पे कोई भी मीडियम ना हो। और ये क्या है हमारा जो नॉर्मल एटमोसफियर जिसमें हम रहते हैं वहां पे क्या एयर है कि नहीं? एयर एयर है। तो मुझे ये बताओ ये पंख और ये हैमर दोनों एक साथ गिरेंगे या अलग अलग टाइम पे गिरेंगे? सर अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सर एक साथ गिरेंगे। अच्छा ये वाला है फर्स्ट, ये वाला है फर्स्ट और ये है सेकंड। फर्स्ट वाले में एक साथ गिरेंगे या अलग अलग गिरेंगे? सर एक साथ गिरेंगे सर, एक साथ। और सेकंड वाले में अलग अलग गिरेंगे? सेकंड वाले कैसे गिरेंगे सर? हैंड्रेस करो जरा, कौन बताएगा एग्जैक्ट रीजन की क्यों अलग गिरेंगे, क्यों एक साथ गिरेंगे? हैंड्रेस करो, मैं पूछूंगा, हैंड्रेस करो सभी लोग जिन जिनको बताना है, ऐसे रैंडमली पूछूंगा मैं। निखिल, निखिल आप ये बताओ फर्स्ट वाले में अलग अलग गिरेंगे या एक साथ गिरेंगे, और गिरेंगे तो क्यों गिरेंगे, रीजन फर्स्ट का, रीजन और एग्जैक्ट बताओ। फर्स्ट वाले में एक साथ गिरेंगे सर। क्यों गिरेंगे सर? क्योंकि उसमें एयर भी नहीं है कोई, उसमें मीडियम नहीं होगा। मीडियम नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? मास उनका, मास उसमें वो नहीं करेंगे, मतलब वो सेम गिरेंगे, इसलिए मतलब आप, मैं आप समझा नहीं पा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर उसमें मीडियम नहीं है तो उससे उनके गिरने पे क्या फर्क पड़ेगा? पर ग्रेविटी नहीं लगेगी उसका, उसमें मास मैटर नहीं करेगा। तो ग्रेविटी नहीं लगेगी, ग्रेविटी नहीं लगती तो बेटा नीचे नहीं गिरते ना, नीचे नहीं गिरते ना ग्रेविटी नहीं लगती तो। आपने आंसर सही दिया लेकिन आप रीजनिंग सही नहीं दे रहे हो। शिवम, शिवम आप बताओगे? शिवम सर आप बताओगे कि फर्स्ट वाला अगर नीचे सेम टाइम से गिर रहा है और उसमें वैक्यूम है तो उसका क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? सर इनका सर मास मैटर नहीं करेगा सर। हाँ मास मैटर नहीं करेगा, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मास मैटर करता नहीं है। तो फिर ये पंख जो है और ये हैमर है दोनों एक साथ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? क्या इस मीडियम का कोई फर्क पड़ रहा है? यस सर। मीडियम का क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मीडियम नहीं है तो क्यों मतलब सेम टाइम से गिर रहे हैं ये? मीडियम होता तो क्यों नहीं गिरेंगे सर? मीडियम होता तो सर फिर इनके मास में सर डिफरेंट डिफरेंस आ जाता सर फिर तो। अच्छा आदित्य आप बताओ, आप बताओ आदित्य। आदित्य आपका नेटवर्क सर, मैं बताऊं सर, आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो लग रहा है मुझे। अच्छा प्रेरणा आप बताओ सर, आप आ रही है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आदित्य। सर मैं बताऊं? जब ये गिरेगा तो सर इसमें सर कोई एयर का सर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी जिससे सर इनका मोशन में सर रिटार्ड आए, इसलिए सर ये एक साथ गिरेंगे। पर सर जो सेकंड, सर जो सेकंड केस है ना सर, समझ गया मैं, आप बता दोगे साहिल, साहिल आप बता दो। ग्रेट, वेल डन। प्रेरणा आप बताओ जरा, आप बताओ कुछ। सर एक तो इसमें एयर नहीं और दूसरा इसका मास मैटर नहीं करेगा और हाँ। इसमें एक्सटर्नल फोर्स होगी वो भी नहीं लगेगी इसमें, इस फर्स्ट वाले में। यस सर। और सेकंड वाले में? सर सेकंड वाले में एयर भी और सर क्योंकि इस एक में सर पंख का तो सर इसमें एयर होगी और इसका मास भी सर मैटर करता है और इसमें एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है। बिल्कुल सही है बट प्रेरणा और शाहिल दोनों ने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। एक्चुअली में होता क्या है कि
फर्स्ट केस में आप देखोगे तो फर्स्ट केस में क्या है, अच्छा पंख का मास लमसम m इक्वल टू क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम्स? यस सर। हैमर का मास क्या होगा, हैमर का मास लमसम हो सकता है कि 500 ग्राम होगा। अब जब 10 ग्राम पे वैक्यूम में क्या हो रहा है कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी चीज जब नीचे गिरती है ना, कोई भी चीज नीचे गिरती है तो नीचे से एक फोर्स लगता है, वो मीडियम चाहता है कि वो चीज नीचे ना गिरे। क्या आप देखोगे पेपर को, जब आप छोड़ते हो ना पेपर को, आप कोई प्लेन पेपर लेना उसको छोड़ना, ऐसे लहराता हुआ नीचे आएगा, लहराता हुआ नीचे क्यों आता है, जब पेपर का जो मास होता है, जो पेपर का मास होता है या वेट होता है वो नीचे की तरफ लगता है, नीचे से उसका एयर रेजिस्टेंस लगता है, हमारे जो एटमोस्फियर में ना एयर होती है उसका रेजिस्टेंस लगता है, इस वजह से हम लहराता हुआ आता है। और उसी पेपर को अगर आप फोल्ड कर दो, उस पेपर को एक उसमें हाथ में फोल्ड कर दो, फिर उसको छोड़ो, फिर वो लहराता हुआ नहीं आएगा, फिर वो जल्दी से आ जाएगा। इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके ऐसा कर दिया, फिर वो जल्दी आ जाएगा। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि देखो एरिया कम हो जाता है। ये क्या होता है पता है, ये जो नीचे से जो फोर्स लगता है, वो एरिया पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जब इसका एरिया कम हो जाता है तो मास वही था ना, देखो पेपर सेम था, इसी पेपर को मैंने गुड़ी-मुड़ी करके ऐसे ऐसे करके हाथ में वो गोली बना के नीचे की तरफ फेंका, तो मास तो वही रहा इसका, इसका भी एम था, इसका भी एम था, मास तो सेम था ना। यस सर, मास सेम था, लेकिन ये इससे हायर वेलोसिटी से नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि उसका एरिया कम हो गया, तो उस पर फोर्स कम लगा नीचे से। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, मैं बताना नहीं चाह रहा था इसको, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल एरिया होता है। देखो एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो फोर्स क्या होगा फिर, पीए होगा कि नहीं होगा? यस सर। जितना एरिया कम होगा, क्या फोर्स उतना कम लगेगा उस पर? यस सर। फर्स्ट वाले केस में एरिया ज्यादा था तो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? यस सर। सेकंड वाले केस में जब हमने उसको हाथ में मीड के छोटा सा बना दिया तो उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी कम हो गया, इसीलिए ये जो जब हमने कागज को छोटा कर दिया हायर वेलोसिटी से नीचे जाने लगा। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले केस में देखो, ऐसे गिरेंगे, दिख रहा है फर्स्ट वाले केस में, सेकंड केस में दिख रहा है कि नहीं? अब आपसे अगर कोई पूछे कि मैं एक छोटा कंकड़ लूं, एक छोटा सा कंकड़ लूं, पत्थर का टुकड़ा लूं छोटा वाला, और एक पूरी एक ईंट लूं, अपने घर की छत पे जाके दोनों को एक साथ छोड़ूं, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? बेटा मैंने मास मैटर नहीं करता, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स होगा ना, ड्रैग फोर्स जो एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो बहुत छोटा होगा, निगले इस केस में क्यों हो रहा है पता है, इस केस में क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, वो यूं हो रहा है कि इसका मास बहुत कम था, लेकिन इस वाले केस में जब मैंने उसी कागज को छोटा कर दिया, उसी कागज को जो मीड के छोटा सा कर दिया, तो ये ड्रैग फोर्स उसके उसके कंपेयर में, मास के कंपेयर में निग्लिजिबल हो गया, क्योंकि एरिया कम हो गया। अभी आप जब आपसे कोई पूछे ना कि दो चीजों को ऊपर से एक साथ छोड़ा जाए तो नीचे जब गिरेंगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे या अलग अलग गिरेंगे, उस सबसे पहले आप उसको ये पूछोगे कि सर मुझे ये बताओ कि दोनों बॉडीज के मास सेम है या अलग अलग है, फिर वो बोलेगा सर सेम, दोनों बॉडीज के मास सेम है और बहुत ज्यादा है, या फिर आधा, एक बॉडी अगर पेपर है और एक बॉडी ईंट है तो पेपर लेट गिरेगा, ईंट पहले गिरेगा, क्योंकि पेपर का मास बहुत कम होता है और ड्रैग फोर्स एयर की वजह से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लगता है तो इफेक्टिव हो जाता है। देखो मास जो वेट होता है ना, वेट हमारा नीचे लग रहा है और जो ड्रैग फोर्स है ऊपर लग रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स जो होता है ना, इफेक्टिव जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके कंपेयर में क्या होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है, वेट काफी ज्यादा होता है और फोर्स बहुत कम लगता है, ड्रैग फोर्स जो होता है वो कम लगता है, इसीलिए इस पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। यस सर।
जब हम ईंट और पत्थर और टुकड़े इन सब के बारे में देखेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, पत्थर के टुकड़े का और ईंट का, तो दोनों हम कितनी भी ऊंचाई से फेंके दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। मास मैटर नहीं करता, मास मैटर नहीं करता, वो सिर्फ मैटर कब करता है जब किसी बॉडी का बहुत ज्यादा कम मास हो और उसका एरिया बहुत ज्यादा हो, तब जाके मास मैटर करता है। जैसे पेपर हुआ, पंख हुई, ये बहुत ज्यादा हल्की हल्की चीजों पर, इन पे मास मैटर करता है बस, लेकिन अदर किसी भी चीज पे मास मैटर नहीं करता। क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है आप दोनों को? ये समझ में आ रहा है आप सबको? ये दोनों ये कैसे गिर रही है, ये क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, क्लियर हो गया ना? यस सर, आगे बढ़े फिर? यस सर। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है भाई? कोई भी मोशन अगर एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से कोई मोशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी में कुछ अदर दे रहा हूं, ऊपर जाके एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उस टाइम पे द्वारा वापस आएगा, तो ये इस साइड में जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो जैसे ये ऊपर जाएगा एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ग्रेविटी ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है धीमे धीमे, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है एक्सेलरेशन क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, दोनों अपोजिट में हो गए, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, और जब ये नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी भी नीचे लग रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज सर है। अभी देखते हैं हम थोड़ा डायरेक्शन तो हम अभी देखेंगे, अब ये फॉर्मूले क्या होते हैं भाई। अब देखो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे अभी, इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज करते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से चेंज कर देते हैं, जो भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन था उसको हम उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बस। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तो हम ये लेंगे, इफ गिवन इन क्वेश्चन तब हम क्या लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में अगर गिवन है तो जो भी 10 दी होती है, जनरली क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी होती है। क्यों दी होती है? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, कैलकुलेशन इजी के लिए 10 के साथ कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है ना, मान लो 10 का मल्टीप्लाई किसी से करना है या डिवाइड किसी को करना है तो बहुत इजी होता है, इसीलिए क्या होता है ये दिया जाता है आपको 10 की वैल्यू दे दो, तो बच्चों का कंसेप्ट तो हम जान लेंगे कैलकुलेशन का क्या है, कैलकुलेशन तो होती रहती है, कैलकुलेटर भी होते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब सबसे मेन कंसेप्ट अब आता है यहाँ पे कि आप पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे लोगे। आपको तीनों के लिए एक चीज याद रखनी है हमें कि अपवर्ड तो पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। जैसे मान लो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानू, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो है प्लेस है और अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस ले रहा हूं तो ये हो गया पॉजिटिव, अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात? डाउनवर्ड को पॉजिटिव नहीं लेते, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं। बेटा हर बुक में अलग अलग है, आप अपोजिट भी ले सकते हो, आप इसको अपोजिट भी ले सकते हो, आप अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हो। क्वेश्चन सारे होंगे, सॉल्यूशन आंसर भी सारे आएंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा सब कुछ। लेकिन हमने जो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मैंने हम लोगों ने जो सारा डाटा डिजाइन किया है वो इस इन साइन बेसिस पे डिजाइन किया है कि अपवर्ड को पॉजिटिव, जैसे वेलोसिटी, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो उसको पॉजिटिव लूंगा, और अगर मैं किसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ बॉल को फेंक रहा हूं तो नीचे की तरफ वेलोसिटी दे रहा हूं ना उसको, यस सर, तो किसी की बिल्डिंग से अगर नीचे की तरफ फेंक रहा हूं तो उसको क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा। ऐसे ही एक्सीलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है भाई, एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है कि नहीं डाउनवर्ड, रेस्पॉन्स ऐसे कम क्यों हो जाता है, हवा नहीं लग रही क्या, ऊपर से जा रहा है क्या,
एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। यस सर। अगर डाउनवर्ड लगता है, हमने डाउनवर्ड को क्या लिया है, नेगेटिव लिया हुआ है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है ना, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हमेशा क्या लेंगे हम, नेगेटिव जी माइनस के जी लेंगे। और वेलोसिटी अगर ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी उसको नेगेटिव लेंगे। वैसे ही पोजीशन है, अगर जो बेस लाइन है उससे ऊपर है तो उसको पॉजिटिव, अगर बेस लाइन है उससे नीचे लेंगे तो नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अरे बाकी लोग अभी 40 पीपल है, शिवम, यीशु, साहिल, करण, सब क्लियर है? अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले एक तो, हाँ चलो इस क्वेश्चन को करो, जरा ट्राई करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई इट इन 3 मिनट, ट्राई करो, करो जल्दी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, कोई नहीं ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ऐसा कि हो ना, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। हो रहा है? कर रहे हैं, करो करो। सर पहले का आएगा 3 सेकंड। ओके, पहले का 3 सेकंड, और दूसरे का आएगा सर 5 मीटर पर सेकंड, फाइव मीटर पर सेकंड, और तीसरे का
माइनस थर्टी एग्जैक्टली. पता है थर्ड वाले का तो आप ऐसे ही बता सकते थे. टाइम देखो, अगर एक्सीलरेशन सेम है तो आपको टॉप जहां से इनिशियल पॉइंट है वहां से ऊपर तक जाने में और वहां से नीचे तक आने में सेम टाइम लगेगा और सेम वेलोसिटी होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग होगी. अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे पॉजिटिव वेलोसिटी होगी और ऊपर से नीचे आने पे नेगेटिव होगी. देखो ये जब बॉल ऐसे गई थी, तो ये जब बॉल ऐसे गई है तो यहां से जब ऊपर यहां तक इस पॉइंट तो सबसे टॉप पे पहुंच रही है ना, सबसे टॉप पर जब पहुंच रही है वहां तक पहुंचने में और यहां से लौट के आने में सेम टाइम लगेगा. अभी देखो वेलोसिटी, बॉल यहां से ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ना. यस सर. तो ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लिया है, पॉजिटिव. एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था क्या होगा, माइनस जी होगा कि नहीं होगा? यस सर. इसीलिए एक्सेलरेशन माइनस जी, जी क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए एक्सेलरेशन क्या ले लिया, माइनस ले लिया. अब एक चीज बताओ, जब देखो इस बॉल को देखो जरा, ये जब बॉल जब लौट के आ रही है, बॉल जब लौट के आ रही है ना, देखो एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, सबसे टॉप पर जब पहुंच रहा है ना, सबसे टॉप पर जब पहुंच रहा है. अच्छा एक बात बताओ, आप अगर कहीं से दौड़ के जा रहे हो, मैंने बोला आप यहां पे खड़े हो और आपको इस वॉल को टच करके वापस आना है, तो क्या आप इस वॉल को बिना रुके टच कर सकते हो, बिना रुके टच करके मुड़ के आ सकते हो? आप ऐसे गए हो, इस डायरेक्शन में थे, जब इस डायरेक्शन में आओगे भले ही आप टी इक्वल टू 0.01 सेकंड के लिए रुको, लेकिन आपको रुकना जरूर पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा कि नहीं? यस सर. यस सर. तो वही इसके साथ हो रहा है, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ बॉल जा रही है, जब ये यहां से ऊपर की तरफ बॉल जा रही है तो यहाँ पर जब पहुंचेगी ना, यहाँ पर जब पहुंच रही है तो यहाँ से रिटर्न आ रही है, जब ऊपर तक जा रही है तो वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो. फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, जीरो. मान लो अगर मैं यहां से यहां तक नीचे से टॉप तक जाने का टाइम निकालूं तो उसके लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी जीरो मीटर पर सेकेंड. तो यहां से मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई. देखो एक तो बोलते हैं एसेंट और एक बोलते हैं डिसेंट. जब यहां से ऊपर की तरफ गई थी, यहां तक बॉल पहुंची थी, इसको बोलते हैं हम एसेंट, ASCENT, एसेंट टाइम. और जब यहां से नीचे की तरफ जो आएगी ना, यहां तक जो नीचे की तरफ आएगी उसको हम बोलते हैं डिसेंट टाइम. जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए, जितना टाइम वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगाएगा उतना ही टाइम लगाता है मैक्सिमम हाइट से वापस आने में. क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन भले ही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी तो सेम है ना, एक्सीलरेशन क्या है, हमेशा कांस्टेंट है. इसीलिए जो ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वही नीचे वापस आने टाइम लगेगा. तो हमने क्या किया, पहले हमने टाइम निकाला, एसेंट टाइम निकाला, यानी कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा था, 30 मीटर. भाई v equal to u plus 80 लगाया हमने, u क्या है 30 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? और v जीरो है, और g क्या है, g हमने a क्या है, माइनस के 10. यहां से t क्या निकला, 3 सेकंड. अब नीचे से ऊपर जाने में 3 सेकंड लग रहा है तो ऊपर से नीचे आने में भी 3 सेकंड लगेगा. टोटल टाइम ऑफ फ्लैट क्या बोलते हैं, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वापस कितने टाइम में आता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लैट. टाइम ऑफ फ्लैट क्या होगा, असेंट टाइम ऊपर जाने वाला टाइम और वापस नीचे आने वाला टाइम. तो क्या हो जाएगा, 3+3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर. यस सर. 3+3 तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेकंड. किसी का आया था 6 सेकंड? यस सर. एक ही का आया था क्या सर? आया था मेरा भी. हमारा भी आया था. ठीक है. अब दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे में मैक्सिमम हाइट रीच बाई द पार्टिकल. अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है. अब आपको क्या निकालना है, टाइम भी पता है आपको, आपको टाइम भी पता है ऊपर जाने में 3 सेकंड लग रहा है. आप कोई भी इक्वेशन लगा दो मैक्सिमम हाइट निकाल लोगे.
जैसे आपने इसने क्या निकाला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। वी क्या थी, मैक्सिमम हाइट पे, जीरो थी कि नहीं मैक्सिमम हाइट पे, जब ऊपर जा रहा था बॉल, जब ऊपर जा रही थी, यहां से जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर वी क्या थी, जीरो थी कि नहीं वी, yes, sir. जीरो थी, yes, sir. यहाँ पर yes, यहाँ पर यहाँ पर यू क्या थी, थर्टी थी, तो हमने वही इक्वेशन लगाई, यू की जगह 30 रखा, 2a, a तो हमारा माइनस 10 था ही, s हमने निकाल ली है, s हमारी निकाली क्या गई 45 मीटर। क्लियर है मैक्सिमम हाइट? यस सर। अब देखो ये क्या पूछा, लैंडिंग स्पीड। अब देखो एक तो कंसेप्ट होता है कि जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से लैंड करेगी, आप उसको निकाल भी सकते हो कैसे, v फाइनल क्या थी, अभी यहाँ पे देखो v फाइनल, अभी आपको अब इस टाइम पे जब लौट के जब आ रही है वैल्यू, लौट के जब ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए क्या ये v इनिशियल हो जाएगी, v इनिशियल जीरो हो जाएगी जी? यस सर, यस सर। अब ये इस यहां से जब नीचे से ऊपर की तरफ गया था तो उसके लिए ये फाइनल थी, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है ना तो उसके लिए ये इनिशियल हो गई और ये क्या हो गई, फाइनल हो गई। अब यहीं से हम वी एफ यू प्लस ए टी, अब क्या ये वी आई यू ही है, सेकंड केस के लिए बता रहा हूं मैं, सेकंड वाले के लिए, या फिर इसको ये लिख दो वी आई लिख दो, चलो इसको वी आई लिख दो, वी आई क्या है, जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकाल ली, जब यहाँ पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकाल ली है, माइनस 30 माइनस 10 इंटू 3, अरे ऊपर जाने में 3 सेकंड लग रहा था तो नीचे आने में भी 3 सेकंड लग रहा है, ये वाला 3 सेकंड लगा दिया, टी इक्वल टू 3 सेकंड लगा दिया, क्या आ गया माइनस, अरे माइनस क्यों आया है भाई, क्योंकि हमने क्या किया था, ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया था और नीचे वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लिया था। अब ये लौट के जब आ रहा है तो क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी, तो क्या आ गई माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सर, नीचे तो पॉजिटिव लिखा सर, नहीं ये इसने बोल दिया ना लैंडिंग, अगर इसने लैंडिंग लगा दिया ना आगे, लैंडिंग स्पीड, और फिर इसने स्पीड लिखा है, देखो स्पीड लिखा है, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें इसमें मोड में माइनस के 30 रखोगे तो बाहर क्या आएगा सर, पॉजिटिव 30 ही आएगा ना, yes, sir, आएगा sir. कि नहीं, तो स्पीड लिखा है इसीलिए इसको स्पीड को पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मोड ऑफ वेलोसिटी होता है, डायरेक्शन नहीं होती ना स्पीड की, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, याद भूल रहे हो आप, स्केलर है कि नहीं स्पीड, यस सर, यस सर, ये क्या थी, ये वेलोसिटी थी, यस सर, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी थी वेलोसिटी, क्लियर है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क है ये आपके लिए कल के लिए, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन करके आना है आपको घर से, ओके सर, ले लिया, आज डेट है 17th ऑफ जैन, ठीक है फिर सर, ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट एवरीवन।